जादुई लिपस्टिक की खेती। एक समय की बात है, निर्मला अपनी बेटी अर्चना के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। निर्मला के पति की मृत्यु एक फैक्ट्री में बिजली का करंट लगने के कारण हो गई थी, जिसके बाद से निर्मला ही अपने घर का खर्चा चलाती थी। निर्मला गांव के मंदिर के बाहर ताजे फूलों की माला और पूजा सामग्री बेचकर अपना और अपनी बेटी का रहन सहन करती थी। वो लोग बहुत गरीबी में जी रहे थे, परंतु निर्मला हमेशा ही कोशिश करती थी कि अर्चना को किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो। ऐसी ही एक दिन अर्चना उदास मन से स्कूल से घर आती है। अर्चना का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर निर्मला उससे पूछती है, क्या हो गया बेटा? ऐसे तो तू रोज स्कूल से उछलती कूदती हुई आती है, आज ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं माँ। अरे अब तू अपनी माँ से भी बात छुपाने लगी है। माँ आपको बताकर भी तो कोई फायदा नहीं है। अरे तू बता तो सही, फायदा है या नहीं ये मैं तय कर लूंगी। माँ आज टीचर ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है, अगर मैं कल से ऐसे घर के कपड़ों में स्कूल गई तो वो मुझे स्कूल में एंट्री नहीं देंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है अगर मैं स्कूल ड्रेस में स्कूल जाऊंगी तभी वो मुझे स्कूल के अंदर आने देंगी, नहीं तो मुझे स्कूल के गेट से ही भगा दिया जाएगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो आपको कितनी बार कह चुकी हूं, लेकिन आप मेरी सुनती ही नहीं हो। मैं जानती हूं मेरी बच्ची, पर मैं क्या करूं? ये फूल और पूजा सामग्री बेचकर सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू कल स्कूल ड्रेस में ही स्कूल जाएगी। ऐसा कहकर निर्मला अलमारी के पीछे से एक संदूक निकालती है और उस संदूक को खोलती है। उस संदूक में निर्मला का एक सोने का हार रखा होता है। इस सोने के हार को गिरवी रखकर कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे और उन पैसों में मेरी बेटी की अच्छी सी स्कूल ड्रेस आ जाएगी। इसके बाद निर्मला उस सोने के हार को ले जाकर सोनार को दे देती है और फिर उस सोने के हार को गिरवी रख के जो पैसे मिलते हैं उसे लाकर वो अर्चना को दे देती है। ये ले बेटा, इससे अपनी स्कूल ड्रेस ले आ, अब तुझे बिना स्कूल ड्रेस के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पर माँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि फूल माला और पूजा सामग्री बेचकर केवल घर का ही खर्चा चल पाता है, फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुझे याद है मेरे पास एक सोने का हार पड़ा था, उसे ही मैंने सुनार के पास गिरवी रख दिया, पर तू चिंता मत कर मैं उसे छुड़ा लूंगी, लेकिन अभी के लिए तेरी ये स्कूल ड्रेस लेना जरूरी था। माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सोने का हार आपको कितना प्यारा था, वो हार आपको पिताजी ने दिया था। अभी केवल मुझे एक ही चीज प्यारी है और वो है तू, इसलिए अब ज्यादा बहसबाजी मत कर और जाकर अपने लिए स्कूल ड्रेस ले आ। अर्चना निर्मला की बात मानकर पैसे लेकर बाजार की तरफ निकल जाती है, परंतु तभी एक चोर की नजर अर्चना के पैसों पर पड़ जाती है और वो अर्चना के हाथ से वो पैसे छीनकर भागने लगता है। अर्चना भी उसके पीछे भागते भागते जंगल में काफी आगे आ जाती है, परंतु वो चोर उसके हाथ नहीं आता। माँ ने अपना सबसे कीमती हार गिरवी रख कर मुझे ये पैसे दिए और मैंने ये पैसे गवा दिए, अगर ये बात मैं माँ को जाकर बताऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, हे भगवान अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद अर्चना उसी जंगल में आगे बढ़ने लगती है, परंतु उसे ना तो निकलने का रास्ता मिलता है और ना ही वो चोर। तभी अर्चना को सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे इस झोपड़ी के अंदर जाना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और क्या पता मुझे यहाँ से उस चोर का पता चल जाए, या फिर क्या पता वो चोर यहीं रहता हो। ऐसा सोचकर अर्चना उस झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। वो धीरे धीरे अंदर जाती है, परंतु अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन अंदर बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारा अतरंगी और अजीब सामान। अर्चना जैसे ही एक सामान को छूने की कोशिश करती है तभी एक आवाज आती है, मेरे सामान से दूर रहो, इसे छूने की जरूरत मत करना, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। तुम कौन हो? सामने आओ, कहीं तुम उस चोर की कोई साथी तो नहीं हो? देख लो मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो पैसे मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मेरे लिए जमा किए थे।
अर्चना की ये बात सुनकर जादूगरनी अर्चना के सामने आ जाती है। पहली बात, मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही किसी चोर की साथी हूँ। और दूसरी बात, ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और ये सब बातें क्या बना रही थी। इसके बाद अर्चना सारी बात उस जादूगरनी को बताती है। और फिर उस चोर को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब पता नहीं मेरी स्कूल ड्रेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और माँ अपना गिरवी रखा हुआ हार कैसे छुड़ाएगी। पता नहीं भगवान क्यों हम गरीबों के साथ ही ऐसा मजाक करता है। पहले तो मैं हैरान थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी आने से डरता है, परंतु तुम यहाँ आई, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण था। यहाँ पर लोग आने से डरते हैं? हाँ बिल्कुल। पर ऐसा क्यों? मेरी वजह से। क्या मैं पूरी बात जान सकती हूँ? मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल जाना चाहती थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। इसलिए स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, परंतु मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने काली पहाड़ी के पीछे वाली जादूगरनी से जादू सीखा और जादू से लोगों की मदद करने लगी। परंतु कई लोग मुझे काला जादू करने वाली समझने लगे और मुझे गांव से निकाल दिया। उसके बाद से मैं यहाँ रहने लगी। तब से लोग यहाँ आने से डरते हैं और मुझे एक काला जादू करने वाली समझते हैं, जबकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती और कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। पर क्या कर सकते हैं, किसी की सोच को नहीं बदला जा सकता। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे तो लगता था कि हमारी ही जिंदगी इतनी तकलीफ से भरी है, पर तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं लग रही। ऐसा नहीं है अर्चना, तुम्हें तुम्हारे स्कूल की ड्रेस चाहिए थी ना, और तुम्हें अपनी माँ का गिरवी रखा हुआ हार भी वापस चाहिए था, और इस गरीबी से भी छुटकारा चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इसके बाद जादूगरनी अपने जादू से ही वहाँ पर एक जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है और उस लिपस्टिक को अर्चना को देते हुए कहती है, चलो अर्चना, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इस जादुई लिपस्टिक को ले जाकर तुम अपने घर के पीछे वाले खेत में लगा देना और इसे रात भर के लिए छोड़ देना। अगली सुबह तुम्हारे खेत में ढेर सारी जादुई लिपस्टिक की खेती हो जाएगी। तुम इन जादुई लिपस्टिक को ले जाकर बाजार में बेच देना। लोग तुम्हारी ये लिपस्टिक झट से ही खरीद लेंगे, क्योंकि ये लिपस्टिक कोई आम लिपस्टिक नहीं है। ये अपने रंग बदल सकती है और किसी को भी अत्यंत सुंदर बना सकती है। इसलिए तुम्हारे इन लिपस्टिक को बिकने में समय नहीं लगेगा और इससे तुम्हारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इसके बाद अर्चना उस जादुई लिपस्टिक को घर ले आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, लिपस्टिक की भी कोई खेती होती है भला? अरे चने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, बाजरे की होती है, पर ये लिपस्टिक की खेती तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। लगता है पैसे खो जाने के गम में तुझे सदमा लग गया है, तभी ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही है। माँ मैं झूठ नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो बस आप कल तक का इंतजार कीजिए, फिर सच आपके सामने होगा। ठीक है, कर ले तुझे जो करना है। इसके बाद अर्चना अपने घर के पीछे वाले खेत में उस जादुई लिपस्टिक को बो देती है और वापस घर आ जाती है। वो रात भर सही से सो नहीं पाती। एक बार ये लिपस्टिक की खेती अच्छे से हो जाए, उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर तो मुझे स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन पैसे से एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लूंगी और एक बड़ा सा बंगला और 10 नौकर चाकर भी, ताकि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। और उन पैसों से मैं अपने लिए पूरे 1 कपड़े की दुकान ही खरीद लूंगी, ताकि मुझे एक भी कपड़ा दोबारा ना पहनना पड़े। अर्चना पूरी रात यही सोचती रहती है और फिर सुबह होते ही दौड़कर खेत में जाती है, परंतु ये क्या, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो खेत जैसा रात को था वैसा ही सुबह होता है।
ये देखकर अर्चना का मुंह लटक जाता है। निर्मला जब ये सब देखती है तो कहती है, बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये लिपस्टिक की खेती जैसा कुछ भी नहीं होता। अपनी माँ की ये बात सुनकर अर्चना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वापस जादूगरनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुमने जो भी कहा था सब झूठ था, मैंने उस लिपस्टिक को खेत में बोकर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं उगा, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे सब कुछ सच बोला था, लेकिन। लेकिन क्या? जब तुम मेरे पास आई थी तब तुमने केवल उतना पैसा मांगा जिसकी तुम्हें जरूरत थी, लेकिन अपने घर जाते ही तुम्हारे अंदर लालच की भावना जाग उठी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत नहीं थी तुम उसे भी खरीदने के बारे में सोचने लग गई। अब तुम्हारे इसी लालच के कारण वो लिपस्टिक की खेती नहीं हो पाई। अर्चना को जादूगरनी की बात सही लगती है और वो जादूगरनी से कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे मन में लालच आ गया था, मैं अमीर होने के सपने देखने लगी थी और शायद इसी कारण लिपस्टिक की खेती नहीं हो पाई। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम उस लिपस्टिक को निकाल कर वापस से बो दो और इस बार सच्चे मन से बोना। ठीक है। इसके बाद अर्चना अपने घर वापस आ जाती है और उस लिपस्टिक को निकाल कर वापस बो देती है और उस रात वो उस लिपस्टिक की खेती से मिलने वाले पैसों से गरीबों की मदद करने के बारे में सोचती है और यही सोचते सोचते सो जाती है। फिर वो जैसे ही सुबह उठती है तो खेत की तरफ दौड़ कर जाती है और वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। वहाँ पर बहुत सुंदर लिपस्टिक की खेती हो रखी थी, केवल एक लिपस्टिक बोने से पूरा खेत लिपस्टिक से भर गया था। ये दृश्य देखकर अर्चना बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ निर्मला को भी बुलाती है। निर्मला भी ये अलौकिक दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। माँ मुझे इन सभी लिपस्टिक को निकालने में आपकी मदद चाहिए होगी, हम इन्हें निकाल कर बाजार में बेच देंगे और इनसे जो पैसे मिलेंगे उसके एक भाग का इस्तेमाल हम खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे और दूसरा भाग हम अपने ही जैसे गरीबों में बांट देंगे। निर्मला को अर्चना की बात सही लगती है और वो अर्चना की बात मान लेती है और फिर दोनों मिलकर लिपस्टिक निकाल कर बाजार में बेच देती हैं, जिसके उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों के एक भाग से वो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और दूसरे भाग को अपने जैसे गरीबों में बांट देते हैं और वापस से यही क्रम दोहराने लगते हैं और इसी तरह हंसी खुशी एक जिंदगी बिताने लगते हैं। एक बार की बात है, सरोजनीपुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पार्वती ने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था। बचपन में उसके माता पिता उसे कूड़े के ढेर में छोड़कर चले गए थे। किसी भले इंसान ने कुछ दिनों तक उसकी देखरेख की, उसके बाद उसने भी पवित्रा को यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। पवित्रा बचपन से ही कूड़े के ढेर में पली बढ़ी लड़की थी। बड़ी होने के बाद मेहनत करके उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। पवित्रा एक शोरूम में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। वो अपना काम बहुत मन से करती थी। एक दिन शोरूम की मालकिन ने पवित्रा से कहा, पवित्रा तुम जब से आई हो पूरा शोरूम हमेशा चमकता रहता है, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम एक काम करो, अब से तुम झाड़ू पोछा लगाने का काम छोड़ दो और यहीं पर डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर लो, उसमें तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अभी तुम घर चली जाओ और कल से सामान को दुकानों तक पहुंचाने का काम करना। उसके बाद पवित्रा वापस घर आ जाती है। पवित्रा खुद बहुत गरीब थी लेकिन फिर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वो अपने आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों ना तकलीफ उठानी पड़े। अगले दिन सुबह सुबह पवित्रा अपने लिए लंच पैक करती है और उसे लेकर काम पर जाने लगती है। पवित्रा काम पर जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। पवित्रा उस बूढ़ी अम्मा की हमेशा मदद किया करती थी, उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती थी। आज भी वो बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी थी। पवित्रा उनके पास जाती है और कहती है,
अम्मा, मुझे पता है आपको भूख लगी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतना कहकर पवित्रा उन अम्मा को अपना लंच बॉक्स दे देती है और आगे बढ़ जाती है। पवित्रा काम पर पहुंचती है और लगन से अपना काम करती है। वो शोरूम से सैंडल और गाउन छोटी मोटी दुकानों तक पहुंचाया करती थी। इस काम से वैसे तो वो काफी थक जाती थी, लेकिन उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। काम करके पवित्रा जब घर आने लगती है तो उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। पवित्रा उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, उसने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पवित्रा को अंजलि के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है। उसने अपना बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से बिताया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी बचपन उसके नजरों के सामने खराब हो। वो अंजलि से कहती है, अंजलि तुम बिल्कुल निराश मत हो, पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहाँ रहना। अंजलि पवित्रा का धन्यवाद करती है और उसके साथ उसके घर तक जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है। पेट भर खाना खाने के बाद अंजलि कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद की, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? अरे हाँ हाँ, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है, तुम खाट पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पवित्रा अंजलि को खाट पर सुला देती है और खुद जमीन पर सो जाती है। पवित्रा पवित्र मन से अंजलि की सेवा कर रही थी, लेकिन अंजलि एक बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी। पवित्रा रात को सो जाती है, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है, ये कितनी बेवकूफ लड़की है, इसे मैंने जो कहा इसने मान लिया, इसने मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की, इसे क्या पता मैं एक बड़ी दुकान से चोरी करके भागी हूँ और इसने मुझे अपने घर में छुपने की जगह दी है। मेरा क्या है, कुछ दिन तक यहाँ रहूंगी और इस गरीब के घर में जो भी कुछ मिलेगा इसे भी चुरा कर भाग जाऊंगी, कौन सा मेरा इस दुनिया में कोई है। ये सब सोचकर अंजलि सो जाती है। अगले दिन पवित्रा काम पर चली जाती है और इधर अंजलि पवित्रा के पूरे घर की छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे पवित्रा के घर में कुछ नहीं मिलता। ओहो, मैं भी कितनी गरीब लड़की के घर में आ गई हूँ, इसके घर में तो खुद ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ पवित्रा अपना सामान दुकानों में डिलीवर कर रही थी। जब पवित्रा अपना सारा काम खत्म कर लेती है तो मालकिन पवित्रा के पास आती है और कहती है, पवित्रा कल सुबह 6 बजे एक दुकान में डिलीवरी करने देनी है और तुम्हें पता है हमारा शोरूम 10 बजे खुलता है और मैं उस डिलीवरी को रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिलीवरी है। तुम एक काम करो, तुम ये 5 गाउन और 5 सैंडल अपने घर ले जाओ और कल सुबह 6 बजे उस दुकान पर पहुंचा देना। लेकिन पवित्रा इन गाउन और सैंडल का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इतने से सामान की कीमत पूरे 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं इन सभी गाउन और सैंडल को बहुत संभाल कर रखूंगी और कल सुबह इन्हें डिलीवर कर दूंगी। इतना कहकर पवित्रा वो सारे गाउन और सैंडल लेकर घर आ जाती है। अंजलि पवित्रा के हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे दीदी आपके हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल कहाँ से आए, ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ अंजलि, ये दिखने में जितने खूबसूरत है इनके दाम भी उतने ही ज्यादा है, तुम्हें पता है सिर्फ इतना सा सामान 5 लाख रुपए का है। 5 लाख सुनकर अंजलि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्या 5 लाख, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। हाँ, मुझे इन सामानों को कल सुबह 6 बजे दुकान पर डिलीवर करना है। पवित्रा की बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, मैं इतने महंगे गाउन और सैंडल को आज रात ही चुरा कर ले जाऊंगी और इन्हें किसी दुकान में बेचकर लखपति बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर अंजलि पवित्रा से कहती है, दीदी बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है, कुछ खाने को दे दो ना, फिर मुझे सोना है। हाँ हाँ अंजलि, क्यों नहीं। पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है और खुद भी खा लेती है।
खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब पवित्रा गहरी नींद में सो रही थी, तब अंजलि उठती है और चुपके से वो सभी गाउन और सैंडल चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। सुबह 5 बजे जब पवित्रा की आंख खुलती है तो वो देखती है अंजलि खाट पर नहीं है। अरे ये अंजलि इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाहर टहलने गई होगी। मैं फटाफट तैयार होकर गाउन और सैंडल डिलीवर कर आती हूँ। ऐसा सोचने के बाद पवित्रा की नज़र वहाँ जाती है जहाँ उसने गाउन रखा था, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे गाउन और सैंडल कहीं नहीं दिखता। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके गाउन और सैंडल चोरी हो गए हैं और उन्हें चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। पवित्रा खुद से ही कहती है, मुझे अंजलि से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने जिस थाली में खाया उसे मैं छेद किया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ना जाने क्यों ऐसा होता है। अब मैं क्या करूँगी? इतनी महंगी रकम कैसे चुकाऊंगी? अब मुझे मालकिन को 5 लाख मुआवजा भी देना पड़ेगा और वो मुझे नौकरी से भी निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए पवित्रा अपने घर के बाहर सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आसमान से एक परी आती है और कहती है, क्या बात है पवित्रा, तुम उदास क्यों बैठी हो? आप कौन हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं परी लोग की रानी परी हूँ। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो। मैंने देखा आज तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ क्या परेशानी है? पवित्रा परी को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर परी कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। परी पवित्रा को अपने साथ बादलों में ले जाती है और कहती है, देखो यहाँ पर एक जादुई गाउन का घर है और एक जादुई सैंडल का घर है। इन दोनों में से एक घर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब आगे का कार्य तुम्हें खुद करना होगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। एक जादुई गाउन और एक जादुई सैंडल का घर दिखता है। पवित्रा के वहाँ पहुँचते ही जादुई गाउन का घर कहती है, सुनो पवित्रा, मेरे घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतने सारे धन दौलत से तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगी। तभी जादुई सैंडल के घर में से आवाज आती है, पवित्रा मेरे घर के अंदर कोई धन दौलत नहीं है, लेकिन 5 कीमती गाउन और 5 कीमती सैंडल है। तुम इन्हें लेकर दुकान पर डिलीवर कर सकती हो और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर सकती हो। पवित्रा का ये फैसला सुनने के बाद जादुई गाउन का घर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पवित्रा जादुई सैंडल के घर में जाती है और कीमती गाउन और सैंडल को लेकर वापस आ जाती है और जादुई सैंडल के घर को धन्यवाद कहकर वापस अपने घर आ जाती है। भला हो परी का जो उन्होंने मेरी मदद की। अब मैं फटाफट इन गाउन और सैंडल को दुकान पर डिलीवर करके आती हूँ। पवित्रा गाउन को और सैंडल को डिलीवर करके वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में अंजलि दिखती है। अंजलि पवित्रा को देखकर उसके पास आकर उसे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके गाउन और सैंडल को चुरा लिया था, लेकिन जब मैं उन्हें चुरा कर भाग रही थी तो कुछ गुंडों ने वो मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ रही हो इसलिए मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और पवित्रा मालकिन से जाकर मिलती है। मालकिन पवित्रा की खूब तारीफ करती है। अब तो पवित्रा मालकिन की फेवरेट हो गई थी। धीरे धीरे मालकिन पवित्रा की पगार बढ़ाती रहती है जिससे कि पवित्रा अपना एक पक्का मकान बना लेती है और उसी में अपना जीवन साधारण तरीके से खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।